हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। वोडाफोन आइडिया में जो नंबर को हमने एनालाइज किया था गाइस, 9 के लेवल पर बाय करने का बोला था और जिसमें हमारा पहला टारगेट जो था गाइस 10 रुपीज का था और सेकंड 12 और लास्ट गाइस 14 रुपीज का। स्टॉक में गाइस हमारे फाइनली सारे टारगेट्स हिट हो चुके हैं और गाइस स्टॉक ने जो फ्राइडे को क्लोजिंग दी है गाइस 16 के अबव पर दी है। स्टॉक में गाइस 3 मंथ में गाइस हमारे सारे टारगेट्स हिट होते हुए दिखाई दिए और स्टॉक में हमको 50% से ज्यादा के टारगेट्स ऊपर में मिले हैं, जिसके चलते स्टॉक में हमको फ्राइडे को 20% का अपर सर्किल लगता हुआ दिखाई दिया है और गाइस इसके साथ ही इसके वॉल्यूम में भी हमको भारी वर्कम उछाल देखने को मिली है। स्टॉक की क्लोजिंग इसके रेसिस्टेंस लेवल पर हुई है गाइस। अगर इसमें इसका रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो गाइस हमें ऊपर में जो मूव देखने को मिलेगी गाइस हमें 20 रुपीज और लास्ट गाइस इसमें हमें 30 रुपीज तक के लेवल जल्द देखने को मिलने वाला है, जिसको आगे हम वीडियो में एनालाइज करेंगे। तो चलिए गाइस बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं, इसमें हमारे लेवल कौन से रहेंगे और कहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक के चार्ट को गाइस अगर हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें तो टॉप में हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है ऊपर में गाइस 18 रुपीज का लेवल स्टॉक में हमारा रेसिस्टेंस लेवल रहेगा गाइस। और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो गाइस हमें ऊपर में 20 रुपीज और सेकंड गाइस इसमें हमें 30 रुपीज और लास्ट गाइस इसमें हमें 40 रुपीज तक के लेवल ऊपर में देखने को मिलने वाले हैं। बस हमारे लिए छोटा सा रेसिस्टेंस लेवल जो है गाइस 18 रुपीज का है, इसके बाद गाइस हमें 30 रुपीज से अब के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो गाइस स्टॉक में अगर लॉन्ग पोजीशन टूल की मदद से देख के हमें जो टारगेट देखने को मिलने वाले हैं गाइस ऊपर में 30 रुपीज तक के लेवल, इसमें गाइस हमें 80% से ज्यादा के रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ में। बस इसमें छोटा सा जो रेसिस्टेंस लेवल है गाइस 18 रुपीज का है, अगर इस ब्रेक होता है तो गाइस बहुत ही शानदार मूव आने वाली है। और स्टॉक में जो गाइस हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा गाइस छोटा सा रहेगा गाइस 14 रुपीज का लेवल, यानी कि गाइस 12% के करीब है। अगर करंट प्राइस पर गाइस इसको बाय करते हैं तो गाइस हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 18 रुपीज का, सेकंड जो रहेगा इसमें 20 रुपीज और लास्ट इसमें गाइस 30 रुपीज का लेवल रहेगा। और गाइस 30 रुपीज के अबव वाले जो लेवल्स हैं गाइस उनको आने में काफी समय लग सकता है और इसके हिसाब से देखे गाइस हमें 150% के टारगेट ऊपर में देखने को मिलने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक गाइस हमको बहुत ही शानदार रिटर्न्स दे सकता है गाइस आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स में। गाइस अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हमें 40 रुपीज तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। स्टॉक में जो गाइस हमारी एनालिसिस है गाइस 3 मंथ से लेकर 4 मंथ के लिए गाइस आने वाले दिनों में हमको 30 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप आज की हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।